हेलो एवरीवर्न एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दीड कोर डेली चैलेंज आज हम डिस्कस करेंगे मेक टू एरेज इक्वल बाई रिवर्सिंग सब एरेज ओके कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज इन मेटा ओके क्वेश्चन क्या कह रहा है यू आर गिवन टू इंटीजियर एरेज ऑफ इक्वल लेंथ टारगेट एंड ए आर आर इन वन स्टेप यू कैन सेलेक्ट एनी नॉन एम टी सब एरे ऑफ ए आर आर एंड रिवर्स इट यू आर अलाउड टू मेक एनी नंबर ऑफ स्टेप्स न मेक एरे इक्वल टू टारगेट और फॉल्स अदरवाइज देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है Constraints की बात करें, तो टारगेट की एरे की एरे ऑफ आई की वैल्यूज वन से लेकर थाउजेंड तक होंगी एरे ऑफ आई की वैल्यूज वन से लेकर थाउजेंड तक होंगी ठीक है तो थाउजेंड अच्छा और टर्म है याद रखना ध्यान रखना तो क्वेश्चन कह रहा है कि यार आपको मैं दो एरे देने वाला हूँ एक है टारगेट एक है एरे आपको इस एरे को इस टारगेट में कन्वर्ट करना है बाई परफॉर्मिंग वन ऑपरेशन एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ठीक है रिवर्स आप किसी भी सब एरे का कर सकते हो पूरे एरे की करने की जरूरत नहीं है ओके okay, एंड अगर आप ये ऑपरेशन यहाँ पर कर करके इस एरे को कन्वर्ट कर ले जाते हो टारगेट में तो आपको ट्रू रिटर्न करना है अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है सो लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन इस एरे को कन्वर्ट करते हैं uh, तो एक काम हम ये कर सकते हैं टू फोर वन को रिवर्स कर सकते हैं तो ये बन जाएगा वन फोर टू थ्री ठीक है देन किसको रिवर्स करा जाए फोर एंड टू को रिवर्स कर सकते हैं तो ए बन जाएगा वन टू फोर थ्री एंड फाइनली इसे रिवर्स कर देते हैं तो ये बन जाएगा वन टू थ्री फोर एंड एज यू कैन सी वी कैन ईजली कन्वर्टेड इन टू आवर टारगेट अरे ओके सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यू कैन रिटर्न ईजिली ट्रू फ्रॉम हियर ओके नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन देखो मुझे मुझे कोई लिमिट नहीं दी गई है कि आपको तीन स्टेप में करना है पांच स्टेप में करना है वी ओनली हैव ट्रू एंड फॉल्स ठीक है क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है बस आपको इतना बताना है तो एंड रिवर्स ऑपरेशन आप कितनी भी बार कर सकते हो इसमें भी कोई रोक टोक नहीं है तो यहाँ पे क्या किया जाए इसे कैसे सॉल्व किया जाए ठीक है अब ऑनेस्टली ये जो ऑपरेशन है ये एग्जाम्पल में दिया था सैम्पल एग्जाम्पल में और ये काफ़ी मुझे यू नो ओवरवेलमिंग लगा मुझे लग रहा था ये तो हार्ड प्रॉब्लम लग रही है मतलब थोड़ा सा मीडियम लेवल लग रही है एटलीस्ट ईजी नहीं लग रही है ठीक है ऐसा मैं सोच रहा था बट देन आई रियलाइज कि हमें खाली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना है दिस ऑर्डर डज नॉट मैटर तो क्या मैं किसी और तरीके से सेम काम को कर सकता हूँ ऑब्वियसली कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अब वो वाला बहुत ईजी होगा अब मैं तुम्हें एक बेटर वे दिखाता हूँ देखो ये है तुम्हारा एरे तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है टारगेट में ठीक है यानी कि इस पोजीशन पे तुम्हारा वन होना चाहिए करेक्ट तो मैं क्या करूँगा मैं इस एरे में वन को सर्च करता हूँ ओके मुझे वन मिल गया अब मैं बताया कैसे रिवर्स करूँगा मैं पेयर को रिवर्स करूँगा पेयर का रिवर्स मतलब क्या हो गया स्वैपिंग ठीक है भाई ये देखो फोर एंड वन का रिवर्स क्या होगा ऑब्वियसली वन एंड फोर दे हो जाएगा टू वन फोर थ्री ठीक है देन अभी भी मैं वन को अपनी जगह पे नहीं रख पाया मुझे वन को यहाँ रखना है तो फिर से स्वैप करते हैं इसके नेबर के साथ वन एंड टू से स्वैप कर लेते हैं तो ये हो गया वन टू फोर थ्री ठीक है ऑल्दो देखो नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा लग रहे हैं बट उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा ट्रू एंड फॉल्स डैट्स इट राइट तो मैं वन को ऐसे नेबर के साथ शिफ्ट करके फिर नेबर के साथ शिफ्ट करके ऐसे यहाँ पे रख सकता हूँ तो मैं कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा और ईजिली मैंने वन को यहाँ रख दिया अब यू कैन सी इट इज़ वेरी सिंपल आपकी सेकेंड प्लेस पे टू है आपकी सेकेंड प्लेस पे टू है डन कोई कुछ नहीं करना है इधर फोर है इधर थ्री है नहीं चलो फिर से इधर चलते हैं थ्री को ढूंढ के लाते हैं तो थ्री सर्च करा यहाँ पे मिल गया नाउ वी कैन स्टार्ट रिवर्सिंग थ्री एंड फोर का रिवर्स किया सो दिस विल बिकम सम वॉट लाइक वन टू थ्री एंड फोर देन वी कैन कंपेयर थ्री एंड थ्री भी मैच हो गए आगे चलते हैं फोर एंड फोर भी मैच हो गए एंड वी आर डन ठीक है तो एक्चुअली ठीक है एक्चुअली आप कोई भी ऑपरेशन करो यू कैन ऑलवेज यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट एरे वन टू एरे टू या एरे वन टू टारगेट इफ़ एंड ओनली इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे वन एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ टारगेट आर सेम ठीक है जैसे यहाँ वन है यहाँ भी वन होना चाहिए यहाँ टू है यहाँ टू भी होना चाहिए एज वेल एज फ्रीकवेंसी भी सेम होनी चाहिए इधर अगर दस बाय टू है तो इधर भी दस बाय टू होना चाहिए ठीक है तो हमारा प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गया कि ये जो एरे वन है ठीक है अगर ये एक जंबल्ड फॉर्म है जंबल्ड फॉर्म है टारगेट एरे का तो यू कैन रिटर्न अ ट्रू अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न अ फॉल्स ठीक है चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं ये है मेरा टारगेट एरे ये है मेरा ए आर आर मुझे ए आर आर को टारगेट में कन्वर्ट करना है क्या ये कन्वर्जन पॉसिबल है नहीं ये कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है क्यों आप देखो यहाँ वन कितनी बार है एक बार बट यहाँ पे वन आपका दो बार आ गया तो अब इसको कितना भी रिवर्स कर लो दो बार वाले वन को एक बार में नहीं कर सकते सिमिलरली जैसे यहाँ पे फोर है यहाँ पे फोर मिसिंग है तो आप इसको कितना भी रिवर्स करो यहाँ पे फोर पैदा नहीं कर पाओगे ओके okay, अब यहाँ पे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं हो सकता है एरे ए टू में ठीक है ए आर आर में आपका टू प्रेजेंट है अब वो टू भी आपका यहाँ नहीं है ठीक है तो यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी भी नहीं हो सकती है हो भी नहीं सकता है तो देयर आर मल्टीपल केसेस तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज एरे वन जम्बल्ड फॉर्म होगा टारगेट का ओनली इन वन कंडीशन यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ हो और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो यहाँ अगर दस बार वन है तो इधर दस बार वन होना चाहिए ठीक है समझ में आया so तो दिस इज आवर इंटायर लॉजिक तो हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया कि हमें पता करना है कि क्या एरे एक जम्बल्ड फॉर्म है टारगेट का नाउ आई एल गिव यू टू की वर्ड्स मुझे बताने कौन सी प्रॉब्लम है दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम तो मेरा क्वेश्चन है इज स्ट्रिंग वन जम्बल्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग टू वीडियो को पॉज करो एंड सोचो कि ये कौन सी प्रॉब्लम में पूछा गया है ओके okay, तो अगर आपने सोचा होगा तो मैंने आपको ये जावा डी एस से कोर्स में पढ़ाया था दिस इज नथिंग बट एनाग्राम्स ठीक है आपको पता करना है क्या स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू का एनाग्राम है या नहीं है ओके okay, सो so ये हमारा प्रॉब्लम उस पर रिड्यूस हो गया चलो वहाँ पे तो स्ट्रिंग थे वी कैन डू इट इसलिए अगर आपको चेक करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो अभी हम बात करते हैं एरे और टारगेट की इसे कंपेयर करते हैं ठीक है ग्रेट चलो लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन नंबर वन ठीक है जहाँ पे हम चेक करेंगे क्या एरे एक जम्बल फॉर्म है टारगेट का तो उसके लिए क्या होना चाहिए सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए एंड उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तो इसको करने का सबसे सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है आप दोनों एरे को शॉर्ट करके सेम स्टेट में ले आओ क्योंकि यहाँ पे देखो आप देखोगे यहाँ पे वन है ठीक है फिर आप यहाँ पे वन ढूंढोगे फिर आप यहाँ दूसरा वन देखोगे फिर यहाँ दूसरा वन ढूंढोगे तो इट इज़ वेरी यू नो कॉम्प्लिकेटेड आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा है इन दी अदर एरे तो इससे बेटर क्या है हम इन दोनों एरेज को शॉर्ट करके सेम स्टेट में ले आए तो अगर आप इसे शॉर्ट करोगे तो एरे कैसे दिखेगा ये दिखेगा वन 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 टू थ्री सॉर्ट करने से बेनिफिट क्या है सारे डुप्लीकेट्स आपके एक साथ आ गए देन यहां पे क्या हो जाएगा वन 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 टू थ्री फोर अब आप सिंपल लीनियर चेक लगा सकते हो एंड यू कैन कंपेयर यूजिंग टू पॉइंटर्स मैच हो रहा है ग्रेट 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 मैच मैच हो हो रहा है, great. Match हो रहा है great. Match हो रहा है ग्रेट ग्रेट एंड देन यू कैन से रिटर्न ट्रू कोई भी एक मैच नहीं होता तो यू कैन इजिली सेड रिटर्न फॉल्स ठीक है तो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट सब कुछ हैंडल हो गया इफ यू डू सॉर्टिंग ना वाट इज दी ओवर हैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो एरेज को शॉर्ट कर रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ट्वाइस ऑफ एन लॉग एन ठीक है देन आप ओवर फैन ऑपरेशन कर रहे हो इस एरे को मतलब इन दो एरेज को कम्पेयर करने में ठीक है तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वॉट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली सॉर्टिंग लगा रहे हो तो ओवर फैन लगेगा अगर आप मस् शॉर्ट वगैरह लगा रहे हो तो इट टेक्स सम एक्स्ट्रा स्पेस तो यहाँ दो एरे है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस ठीक है एन प्लस एन सो दिस इज आवर ओवरऑल एलगोर्दमिक कॉम्प्लेक्सिटी चलो तो आप इसे खुद से कोड कर लेना यार ये बहुत ज़्यादा यू नो सिंपल है अगर आपको समझ नहीं आएगा आपसे कोड नहीं होगा तो यू कैन कॉमेंट ईजिली आई विल टेल यू कि आप कैसे कर सकते हो बट ट्राई टू कोड इट यूर ठीक है चलो दिस वॉज सोल्यूशन नंबर वन अब सोल्यूशन नंबर टू की तरफ चलते हैं नो सोल्यूशन नंबर टू क्या हो सकता है देखो बहुत सिंपल है हमें एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है तो वी कैन डेफिनेटली यूज़ हैशिंग हेयर ठीक है ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं तो आप हैश सेट तो यूज नहीं कर सकते ठीक है सेट आपकी पिक्चर से चला जाता है बट आप यहाँ पे हैश मैप यूज कर सकते हो बाय हैश मैप क्योंकि जो आपके कीज होंगे वो यूनिक एलिमेंट्स होंगे इस एरे के और जो आपकी वैल्यू होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जैसे यहाँ वन तीन बार आ रहा है तो आपके मैप में वन तीन बार स्टोर होगा ठीक है तो इस तीन को मेंटेन करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ हैश मैप एंड नॉट अ हैश सेट हैशसेट वी विल स्टार्ट दी ऑपरेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे इस एरे को मैप में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मिल जाए ए आर आर वन में या एरे ए वन में तो यहाँ पे वन अब वन आपके मैप में नहीं इंसर्ट कर दो फ्रीक्वेंसी वन वन आपके मैप में यस फ्रीक्वेंसी प्लस वन थ्री मैप में नहीं है इंसर्ट फ्रीक्वेंसी वन फोर मैप में नहीं है इंसर्ट फ्रीक्वेंसी वन टू मैप में नहीं है इंसर्ट फ्रीक्वेंसी वन वन मैप में है फ्रीक्वेंसी प्लस वन ठीक है तो हमारा हैश मैप इस समय कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है ये किसका है ये एरे वन का मैप है अब सिमिलरली आप इस टारगेट का भी मैप बना सकते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू टू आपके मैप में है नहीं फ्रीक्वेंसी वन वन इज नॉट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी वन थ्री नॉट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी वन वन ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस फोर नॉट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी वन वन प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी प्लस वन ठीक है अब आपको बस इन दो मैप्स को क्या करना है कंपेयर करना है ठीक है यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए मतलब एक्स्ट्रा कम कुछ भी नहीं होना चाहिए इट शुड बी एग्जैक्ट सेम ओके ना हाउ डू बी कम्पेयर टू मैप्स बहुत सिंपल है देखो आप यहाँ से आइट्रेट करना स्टार्ट करो ठीक है आप देखो यहाँ पे वन है क्या इस मैप में वन प्रेजेंट है येस अब आप इनकी फ्रीक्वेंसीज मैच करो फ्रीक्वेंसी यहाँ भी थ्री यहाँ भी थ्री ठीक है तो हम कह सकते हैं एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है थ्री क्या मैप में थ्री है हाँ थ्री है मान लेते हैं थ्री नहीं होता तो यहीं से रिटर्न फॉल्स देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी वन यहाँ भी फ्रीक्वेंसी कितनी वन दोनों मैच हो रहे हैं ग्रेट मैच नहीं होते तो रिटर्न फॉल्स नेक्स्ट चलते हैं फोर फोर यहाँ भी प्रेजेंट है अब फ्रीक्वेंसी भी मैच हो रही है ग्रेट नेक्स्ट चलते हैं टू यहाँ भी प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी भी मैच हो रही है तो वी कैन से डन यू कैन रिटर्न ट्रू ठीक है आपका ये दोनों मैप क्या है एग्जैक्टली exactly सेम है ना आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा भैया एक बात बताओ ऐसा भी तो हो सकता है कि इस टारगेट में ऐसा कुछ रखा हो फाइव विद्रिक्वेंसी ऑफ थ्री हमने तो खाली इतनी कीज चेक करी वट अबाउट दिस फाइव ये तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया ठीक है तो प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंस पे जाते हैं एक्चुअली कभी हो गई नहीं टारगेट है और जो एरे इनकी लेंथ एग्जैक्टली सेम होने वाली है ठीक है अगर लेंथ सेम है अब लेंथ क्या है देखो जैसे यहाँ पे Uh, मान लेते हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस एरे में छः एलिमेंट हैं यानी कि अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी का सम निकालूँ तो मुझे छः मिलना चाहिए थ्री फोर फाइव सिक्स करेक्ट अब क्योंकि इन दोनों एरेज की लेंथ सेम है तो इस फ्रीक्वेंसी का सम भी तो सेम होगा कहने का क्या मतलब है अगर यहाँ पे आपने तीन एक्स्ट्रा डाला है तो कुछ तो हटाओगे और जो हटाओगे वो यहाँ से मैच नहीं होगा सिंपल लॉजिक तो यू कैन ईजिली कंपेयर दिस टू मैप्स ठीक है चलो इसका कोड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एंड देन ऑप्टिमाइज इट ऑल्सो वी कैन क्रिएट वन हैश मैप ये आपका हो जाएगा इन इन टीच इसे हम कह सकते हैं मैप वन नाम दे देते हैं ठीक है इज इक्वल टू न्यू हैश मैप ओके एंड देन हम यहाँ पे एलिमेंट्स स्टोर कर लेते हैं आई कैन से एलिमेंट कोलन टारगेट अब मैप में एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं मैप वन डॉट पुट इधर आ गया आपका एलिमेंट ये हो जाएगा मैप वन डॉट गेट और डिफॉल्ट ठीक है अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आते हैं कि मैप में फ्रिक्वेंसी एनऑल कैसे फाइंड करते हैं प्लीज़ गो हैड एंड वॉच माई जावा डी एस कोर्स उसमें मैंने हैशिंग की प्लेस बनाई है आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अब ये मैंने मैप वन के लिए निकाल लिया मतलब टारगेट uh, के लिए सिमिलरली फाइंड करते हैं इस बार एरे uh, के लिए ए के लिए तो इसका नाम चेंज कर कर देते हैं मैप टू ठीक है ये आ जाएगा आपका ए आर आर इधर आ जाएगा मैप टू इधर आ जाएगा मैप टू ओके तो ये हमने क्या किया दोनों एरेज की फ्रीक्वेंसी निकालनी दो डिफरेंट मैप्स में अब खाली मुझे कंपेयर करना है तो किसी भी एक मैप को आइट्रेट कर लो आई कैन से एंड की कोलन मैप वन डॉट की सेट ठीक है इसकी कीज को आइटरेट करते हैं एंड देन वी कैन से इफ़ नॉट ऑफ मैप टू डॉट कंटेन्स की अगर ये की ही प्रेजेंट नहीं है ठीक है इफ दिस की इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट तो आप यहाँ पे क्या करोगे यू कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर ठीक है दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि मान लो की तो प्रेजेंट है बट उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर रही यानी कि मैप वन डॉट गेट की इज नॉट इक्वल टू मैप टू डॉट गेट की ठीक है तो इस केस में क्या करोगे रिटर्न फॉल्स और अगर ये दोनों ही मैच कर जाते हैं तो आप फॉर लूप में तो हो ही नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर लेना ठीक है अब अगर कभी भी आपको फॉल्स नहीं रिटर्न होता है तो सिंपल आप क्या कहोगे रिटर्न ट्रू ओके अगर एरर आनी होती तो इस फॉर लूप में आ जाती नहीं आई इसका मतलब दोनों सेम है ओके okay, तो चलो इसे रन कराते हैं होप इट विल वर्क एंड इट डेड नाउ एस ट्राई टू सबमिट इट एंड सिक्स परसेंट फास्ट है ठीक है अब आप सोचो भैया सिक्स परसेंट में इतना क्यों खुश हो रहा नहीं <laughs> ये लॉजिक आपका इंटरव्यू में एक्सेप्ट हो जाएगा अभी मैं आपको इसे ऑप्टीमाइज करके दिखाऊंगा बट उससे पहले लेट्स क्या हम यहाँ पे कुछ और लॉजिक यूज कर सकते हैं मेरे पास आ, दो मैप है ठीक है क्या मैं ये सेम काम सिंगल मैप से कर सकता हूँ देखो दो मैप में ओवर हेड क्या है सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लगेगी आपको ये मैप जनरेट करने में ठीक है देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लगेगी आपको ये मैप जनरेट करने में तो ट्वाइस ऑफ एन तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसके बाद आप एक और बार मैप को आइटरेट करके आपस में कंपेयर कर रहे हो तो वर्स केस में वो भी ओ ऑफ एन हो सकता है आई नो आप कहोगे कीस पे होता है बट अगर डुप्लीकेट्स नहीं है तो जितना एन है उतनी ही कीस होंगी तो वट आई कैन से इज बे ओ ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ एन मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये मैप क्रिएट करने की ये मैप क्रिएट करने की दोनों को कंपेयर करने की वॉट इज़ दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्ड हेयर आप दो मैप यूज कर रहे हो ओ ऑफ ट्वाइस ऑफ एन क्या आप इस सब के बजाय एक सिंगल मैप यूज कर सकते हो टू सी चलो ये है मेरा एरे ये है मेरा टारगेट अब मैं सिंगल मैप से सॉल्व करना चाहता हूँ देखो आइडिया बहुत सिंपल है मैं एक मैप क्रिएट करूँगा ठीक है यहाँ पर यह एलिमेंट और इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर दूंगा ओके तो अब इस एरे में क्या है उतने एलिमेंट्स और उतनी फ्रिक्वेंसी है जो इस एरे में थी करेक्ट अब मैं क्या करूंगा इस टारगेट से जाऊंगा और इस मैप से चीजों को रिमूव करना शुरू कर दूंगा रिमूव के बाद अगर आपका मैप वापस से एम्पटी हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि जितने एलिमेंट्स आपने इंसर्ट किए थे उतने निकाल लिए गए हैं कोई एक्स्ट्रा नहीं निकाला गया कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला गया इस वजह से क्या है ये दोनों ही एरेज में एलिमेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी सेम है ग्रेट तो इस तरीके से हम दो मैप को सिंगल मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वील स्टार्ट बाई क्रिएटिंग मैप नंबर वन अगेन ठीक है मैप वन को क्रिएट करते हैं ये एक हैश मैप है ओके यहाँ पे पहली वैल्यू है वन वन मैप में नहीं प्रेजेंट है इंसर्टेड अगली वैल्यू है वन फ्रीक्वेंसी प्लस वन थ्री नॉट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी वन फोर नॉट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी वन टू नॉट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी वन वन प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी प्लस वन ये आपने मैप क्रिएट कर लिया अब टारगेट को आइट्रिएट करते हैं पहली वैल्यू है टू टू मैप में है बिल्कुल फ्रीक्वेंसी माइनस वन जैसे फ्रीक्वेंसी जीरो हो मैप से एलिमेंट को रिमूव कर देना ताकि हम बाद में सिर्फ ये चेक कर लें कि मैप की साइज अगर जीरो है तो बस हमारा काम हो गया नेक्स्ट है यहाँ पे वन वन मैप में प्रेजेंट है हाँ फ्रीक्वेंसी माइनस वन अगली वैल्यू है थ्री क्या मैप में है बिल्कुल फ्रीक्वेंसी माइनस वन जैसे जीरो हो जाए रिमूव नेक्स्ट वैल्यू क्या है वन फ्रीक्वेंसी माइनस वन नेक्स्ट वैल्यू क्या है फोर फ्रीक्वेंसी माइनस वन मैप से रिमूव नेक्स्ट वैल्यू क्या है वन फ्रीक्वेंसी माइनस वन अब जीरो हो गया तो मैप से रिमूव और कोई एलिमेंट है नहीं तो यू कैन से इस समय आपका मैप क्या है एम पी है तो आपका आंसर क्या गया ट्रू आ गया मान लेते हैं ये वाला वन नहीं होता ठीक है इसलिए आपका कुछ सेवन वगैरह होता तो वन की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होती क्योंकि दो वन हम हटा चुके थे लास्ट वन आपका नहीं हटेगा प्लस जब आप सेवन पे जाओगे सेवन मैप में ही नहीं रहेगा तो सेवन मैप में नहीं है तो यू कैन रिटर्न फॉल्स इस तरीके आप इसे सॉल्व कर सकते हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो लीनियर टाइम आपको लगा इस एरे से इस मैप को क्रिएट करने में और लीनियर टाइम लगा आपको इस मैप को एम्पटी करने में यानी कि बिग गो ऑफ टू आइस ऑफ एन और स्पेस आपने कितनी यूज करी एक्स्ट्रा स्पेस कितनी यूज़ करी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग गो ऑफ एन खाली इस मैप की स्पेस तो कहाँ थ्री एन थ्री एन टू एन, एन को आपने रिड्यूस कर दिया टू एन एन थ्री एन में ठीक है चलो अब इसे कोड करते हैं ओके okay, तो आप किसी भी एक एरे की फ्रीक्वेंसी निकाल लो लेट्स से मैं टारगेट की निकाल ले रहा हूँ एरे की रिमूव कर दे रहा हूँ नाउ वी विल आइट्रेट बट नॉट अपॉन दिस मैप अब हम आईट्रेट करेंगे दूसरे वाले एरे पे ठीक है तो आई कैन से फॉर एंड एलिमेंट कोलन ए आर आर ठीक है अब अगर मैप वन ठीक है यहाँ आ जाते हैं मैप वन नॉट कंटेन्स दिस एलिमेंट ठीक है one, element, अगर ये एलिमेंट आपके मैप वन में प्रेजेंट ही नहीं है तो आप यहीं से क्या कर जाओ रिटर्न फॉल्स दूसरा क्या चेक करना है ठीक है अब आती है फ्रीक्वेंसी की बारी क्योंकि ये एलिमेंट अब प्रेजेंट है अगर नहीं होता तो रिमूव हो जाता प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस वन कर देंगे तो आई कैन से मैप वन डॉट पुट एलिमेंट कॉमा मैप वन डॉट गेट इधर आ जाएगा एलिमेंट एंड इधर आ जाएगा माइनस वन ठीक है तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस वन कर दिया माइनस वन करने के बाद एक चेक और लगा देना कि इफ मैप वन डॉट गेट एलिमेंट

अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इंटरव्यू में एक्सेप्ट हो जाएगा आपको लग रहा है भैया आपको हंड्रेड परसेंट करना नहीं आ रहा तो आप झूठ बता रहे हो नहीं <laughs> मैं तुम्हें कंस्ट्रेंस दिखाता हूँ देखो इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप इंटरव्यू में ये दोगे ये हो जाएगा आप कंस्ट्रेंस पर आते हैं यहाँ पर थाउजेंड गिवेन है खाली पॉजिटिव नंबर्स हैं सॉरी नॉट हेयर यहाँ पे यहाँ पर थाउजेंड गिवन है और खाली पॉजिटिव नंबर्स हैं यानी कि एलिमेंट आपका वन से लेके वन थाउजेंड तक हो सकता है तो अगर मैं वन थाउजेंड वन साइज का एरे डिक्लेयर करूं और ये सेम काम मैप में करने की बजाय एक एरे में करूं तो मेरा काम और इजीली हो जाएगा ठीक है ओके सो ये है हमारा एरे ये है हमारा टारगेट ठीक है अब यहाँ पे मैं एक एरे यूज करूंगा ऑफ साइज वन थाउजेंड वन तो मैं ऑब्वियसली वन थाउजेंड वन टू एलिमेंट्स नहीं बना रहा ये आप मान लो जीरो वन टू थ्री फोर खाली इतने इंडेक्स बना लेते हैं ठीक है हर इंडेक्स मेरा एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अब ऑब्वियसली जीरो जीरो हम हैंडल ही नहीं कर रहे तो इस इंडेक्स में कुछ भी हो फर्क़ नहीं पड़ेगा नाउ इनिशियली जावा में क्या होता है सारी चीज़ें जीरो से इनिशियलाइज हो जाती हैं तो ये एरे क्या बता रहा है एलिमेंट वन फ्रीक्वेंसी जीरो एलिमेंट टू फ्रीक्वेंसी जीरो एंड सो ऑन ठीक है अब हम आइट्रेट करते हैं सेम टास्क करेंगे पहले एरे वन को आइट्रेट करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखेंगे ये है वन तो आप वन पर जाके प्लस वन कर दो फिर से वन मिला प्लस वन कर दो थ्री मिला जा करके प्लस वन कर दो फोर मिला जा के प्लस वन कर दो टू मिला जाकर के प्लस वन वन मिला जा के प्लस वन ठीक है ये आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो लेट मी क्लीन दिस अभी बात करते हैं टारगेट की ठीक है टारगेट देखो ए आर आर मतलब एक एरे का काम तो फिल करना दूसरे एरे का काम है रिमूव करना तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू क्या टू यहाँ पे प्रेजेंट है बिल्कुल फ्रीक्वेंसी को कर दो माइनस वन वन क्या वन यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी को कर दो माइनस वन अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे यू नो जीरो फ्रीक्वेंसी वाले को रिमूव नहीं कर सकते आपका एरे है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं थ्री क्या थ्री यहाँ पे प्रेजेंट है बिल्कुल माइनस वन आगे चलते हैं वन क्या वन यहाँ पे प्रेजेंट है माइनस वन फोर फोर पे आके माइनस वन देन वन एंड वन पे आके माइनस वन ठीक है तो ये आपने क्या किया सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दिया अब इसके बाद जस्ट टू मेक श्योर कि आपने सही काम किया या नहीं आप इस सैरी को वापस से पूरा इटरेट करोगे और आप चेक करोगे कि एक भी वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो है ठीक है तो यू कैन रिटर्न अ फॉल्स अदरवाइज यू कैन रिटर्न अ ट्रू वाई नॉन ज़ीरो नेगेटिव नंबर आ सकते हैं क्या बिल्कुल जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक वन और होता और एक फोर मिसिंग होता ठीक है क्योंकि साइज सेम है तो कुछ मिस करना ही पड़ेगा तो हम कह सकते हैं इस फोर को तो हम रिड्यूस नहीं कर पाते फोर तो वन हो जाता बट ये वन अब चार बार है तो तीन बार इसने ऐड किया था आपने चार बार माइनस कर लिया तो एक बार और माइनस हो गया ठीक है तो फ्रीक्वेंसी कैन भी नेगेटिव अगर यहाँ पे एलिमेंट्स ज्यादा हैं आपके सेकेंड एरे में फ्रीक्वेंसी कैन भी पॉजिटिव अगर आपके फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स आते हैं बट फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो अगर यहाँ जितने हैं उतने ही यहाँ और यही हमारा टास्क है एक भी नॉन जीरो मिले रिटर्न फॉल्स ऑल दो ये इंटरव्यूअर हैप्पी नहीं होगा इस अप्रोच से मैं भी आपको बताऊंगा जब विल डिस्कस दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैप uh, वाले सोल्यूशन आप बता सकते हो तो आई कैन क्रिएट समथिंग लाइक फ्रिक्वेंसी एरे ओके इज इक्वल टू न्यू इंट साइज होगी वन थाउजेंड वन ताकि मैं इंडेक्स वन और इंडेक्स थाउजेंड वन से लेके थाउजेंड सब कुछ हैंडल कर पाऊँ अब एलिमेंट को आइट्रेट कर रहे हैं ठीक है इंसर्ट कैसे करेंगे एरे में तो एरे में इंसर्शन काफी क्विक होता है फ्रीकेंसी ऑफ एलिमेंट इधर आ जाएगा आपका प्लस प्लस दैट्स इट ठीक है एलिमेंट को ही इंडेक्स बना लिया और फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं बाय द वे जावा बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज क्या कर देता है जीरो कर देता है तो आपको नल वगैरह का एक्सेप्शन नहीं आएगा अब हम इस एरे को तो आइट्रेट कर ही रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट माइनस माइनस ठीक है इस सबको हटा देते हैं वी डोंट रिक्वायर ऑल ऑफ दिस नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट माइनस माइनस ठीक है अब उसके बाद आपको क्या चेक करना है आपको अगेन इस एरे को आइट्रेट करना है आई कैन से एलिमेंट कोलन फ्रीक्वेंसी एरे अगर कोई भी नॉन नॉन जीरो नंबर मिलता है रिटर्न फॉल्स ठीक है तो इफ़ एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन यू कैन रिटर्न फॉल्स अदरवाइज आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर सकते हो ठीक है अब इसे रन कराते हैं तो ये भी आपका चल ही जाएगा ग्रेट नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड यू कैन सी हंड्रेड परसेंट फास्ट तो हंड्रेड परसेंट फास्ट मैं ला सकता था बट यू नो आपको ये वाली अप्रोच अपने इंटरव्यू को कब बतानी चाहिए कब नहीं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सबसे पहले आप इस एरे को आइट्रेट कर रहे हो और इस एरे में फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर रहे हो यानी कि बिग ओ ऑफ एन ठीक है N, उसके बाद आप इस एरे को आइट्रेट करके फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहे हो अनदर बिग ओ ऑफ एन तो थ्योरेटिकली हमारा एरे और हैश मैप उतना ही टाइम ले रहा है प्लस आपका एरे ज़्यादा टाइम ले रहा है क्या ज़्यादा टाइम आप उसके बाद इस फ्रिक्वेंसी वाले एरे को एक्स्ट्रा आइटरेट करके चेक कर रहे हो कि भाई कोई फ्रिक्वेंसी नॉन ज़ीरो तो नहीं है यानी कि बिग ओ ऑफ वन थाउजेंड वन दिस इज़ फिक्स्ड टाइम दैट यू आर आइटरेटिंग अगेन एंड अगेन दैट्स वाई दिस इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच अब इनके टेस्ट केसेस ऐसे लिखे गए हैं कि जो आपकी हैशिंग है उसमें ज्यादा कोलिजन आ रहे हैं तो हमारा हैश मैप उतना एफिशियंट यहाँ नहीं दिख रहा है बट यू शुड प्रिफर अ हैश मैप टू अवॉइड दिस एक्स्ट्रा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी तो आप यहाँ पे हमेशा बिग ऑफ वन थाउजेंड वन ले रहे हो ठीक है मैप केस में आप बिग ऑफ एन ले रहे थे तो थियोरिटिकली यू कैन सी योर मैप सोल्यूशन वॉज वे बेटर दैन योर एर सोल्यूशन बट हैविंग सेट दैट मैप में एलिमेंट को इंसर्ट करना उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना वो कॉन्स्टेंट ऑपरेशन तो होता है बट कैसा होता है मैंने आपको पढ़ाया था फोर टाइम्स ऑफ अल्फा एंड वाई इट इज़ सो कोलिजन्स होते हैं और भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं तो मैप्स को जनरली हम तब प्रिफर करते हैं जब हमारे पास इतना बड़ा डेटा से, डेटा सेट हो कि हम एरे ना यूज कर पाएँ बट इस केस में क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इटरेशन हमें बाद में फिर से पूरा एरे ट्रैवल्स करके चेक करना पड़ेगा कि भाई एलिमेंट है या नहीं है सो मेक श्योर आप अपने इंटरव्यू को ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करो एंड दैट्स इट फॉर टूडे इस वीडियो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करो मैं मिलता हूँ तुमसे कल तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर